हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एजुकेशन मेरा नाम है मोहित और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास इलेवंथ के चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहां पे हम नीट टू थाउजेंड फिफ्टीन जिसे पहले एआईपीएमटी होता था तो टू से लेकर टू तक जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे टू थाउजेंड और 16 में एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं बल्कि 2017 से लेकर 2019 तक हर साल इस चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आए हैं ओके और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्योर एनसीआर से ही है तो चलिए सबसे पहले ए आई पी एम टी टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन देख लेते हैं इन द मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंट्रल ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर यानी जो फोविया पार्ट होता है रेटिना का वहां पर क्या चीज जो होती है वो पाई जाती है यहां पे लिखा हुआ है पहला हाईली डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर बट हैज नो रोड्स ऑप्शन बी दिया गया है द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई सी दिया गया है ओनली रोड्स आर प्रेजेंट एंड डी दिया गया है मोर रोड्स देन कोनंस आर फाउंड ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए ओके और ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो रेटिना का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोविया और ये थिन आउट पोर्शन होता है रेटिना में जहां पे

ऑप्शन ए दिया गया है ऑप्शन एंड रेटिनल ऑप्शन बी दिया गया है ऑप्शन एंड रेटिनोल ऑप्शन सी दिया गया है ट्रांसडक्शन एंड रेटिना डी दिया गया है जुएनस साइन एंड रेटिनोल ओके okay? तो ये भी आपको बता दे कि प्योर एन का ही क्वेश्चन है एन के अंदर मैकेनिज्म ऑफ विजन के अंदर साफ साफ ये एनसीआर के अंदर लिखा गया है द फोटो सेंसिटिव ओके जिसे हम फोटो पिगमेंट भी बोलते हैं इन ह्यूमन आई इज कम्पोज ऑफ ऑप्सिन जो ऑप्सिन होता है आपका वो एक प्रोटीन है वो क्या है एक प्रोटीन है और सेकेंड आएगा क्या रेटिनल ए एल आ चुका है ना तो ए एल क्या होता है एल डी हाइड तो प्रोटीन और एल डी हाइड होते हैं किसके अंदर फोटो पिगमेंट्स के अंदर ह्यूमन आई के अंदर और ये जो एल डी हाइड होता है ये किसका होता है विटामिन ए का ओके तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन ए ऑप्सिन एंड रेटिनल ओके okay, अब हम आ चुके हैं नीट 2017 के क्वेश्चन के अंदर 2017 के अंदर दो क्वेश्चन है ऑप्शन ए दिया गया ओलिगो डेंड्रोसाइट ऑप्शन बी दिया गया है एस्ट्रोसाइट एंड सेक्वान सेल्स ऑप्शन सी दिया गया है ओलिगो डेंड्रोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑप्शन डी दिया गया है ऑस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट ओके तो यहां पे देखिए एनसीआरटी में ये तो लिखा है माइलिन जो होती है वो सेकवन सेल से प्रोड्यूस होती है पर ये पीएनएस के अंदर प्रोड्यूस होती है जो सीएनएस होता है वहां पे जो माइलिन प्रोड्यूस होती है वो होती है ओलीगोडेंड्रोसाइट से किसके द्वारा से तो जो माइलिन तो होती है उनमें कौन प्रोड्यूस करता है सेकवन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन एके नी टू थाउजेंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रिसेप्टर साइट

बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट ऑन दोस्ट साइनेप्टिक मेम्रेन तो कहां पर प्रेजेंट होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्रेन पे प्रेजेंट होता है किसके लिए न्यूरो के लिए अब हम आ चुके हैं नी टू थाउजेंड एटीन के क्वेश्चन के अंदर टू थाउजेंड एटीन का जो सबसे पहला क्वेश्चन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई जो हमारा लेंस होता है वो अपनी पोजिशन पे किसके द्वारा वहां पर रखा होता है वहां पर उसको तो ऑप्शन ए दिया गया है द स्मूद मसल्स अटैच टू द आयरिस ऑप्शन बी दिया गया है द दीगामेंट्स अटैच टू द आयरिस ऑप्शन सी दिया गया है लीगामेंट्स अटैच टू द दीलियरी बॉडी एंड डी दिया गया है द स्मूद मसल्स अटैच टू द दीलियरी बॉडी ओके यहाँ पे ये जो है ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर आई के अंदर साफ साफ लिखा गया है आई बॉल कंटेंट्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी तो यहाँ पे ये यह किसके द्वारा जो सीलियरी बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं वो उसको लेंस को अपनी पोजिशन पर रखते हैं तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी प्योर एन सी आर टी जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इनकरेक्टली पेयर्ड फ़ंक्शन यानी यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं हमारे और यहाँ पे उनका फंक्शन दिया गया तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है ओके सबसे पहला दिया गया हाइपोथैलेमस के अंदर तो हाइपोथेलेमिस में लिखा गया द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट ऑप्शन बी दिया गया है द लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट रीकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट ओके ऑप्शन सी दिया गया है द मेडुला ओब्लोगांटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस ऑप्शन डी दिया गया है द कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ओके ये भी प्योर एनसीईआरटी ही सि है ओके okay? तो यहाँ पे एन के अंदर जो ये तीन पॉइंट आते हैं आपका हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लोगांटा एंड कॉर्पस कैलोसम ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है बट एन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है वहाँ पे लिखा गया था लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद द हाइपोथेलमस इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन ओके तो इमोशनल और सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करता है कौन लिम्बिक सिस्टम किसके साथ मिलकर हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ओके और बट यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो कि क्या है इनकरेक्ट है तो हमारे इनकरेक्ट ही पूछा था वो आएगा हमारा ऑप्शन बी द लिम्बिक सिस्टम ओके बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और तीनों के तीनों एनसीआरटी में लिखे गए हैं ओके okay, अब हम आ चुके हैं नी 2019 के अंदर 2019 में भी दो क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है रिगार्डिंग कॉर्निया ऑप्शन ए दिया गया था कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इट सेल्फ बी कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज ऑप्शन सी दिया गया था कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई ऑप्शन डी दिया गया कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटेनियसिस आई आईबॉल ओके तो यहाँ पे इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आएगी कॉर्निया की वो आएगी ऑप्शन सी ओके यहाँ पे देखिए ये रिपेयर नहीं कर पाती है अपने आप को दूसरी बात है वेस्कुलराइज भी नहीं है ये ओके okay? यहां पे जो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी द कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मेट्रिक आई ओके 2019 का जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन ए दिया गया हाइपोथेलमस कॉर्पस कैलोसम मेडुला ओब्लोगंटा एंड सेरिब्रम ये तो टेंथ की एनसीआर में भी आ जाता है और प्लस वन में दोबारा आता है और ये नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है थर्मो रेगुलेशन वाला ओके तो थर्मो रेगुलेशन कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है हाइपोथेलेमस कौन सा पार्ट करता है हाइपोथेलेमस करता है ओके तो यहां पे ये क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से आ चुके हैं नीट के अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद